फिल्म मेकर साजिद खान इन दिनों बिग बॉस 16 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं। बिग बॉस हाउस में उन्हें 6 हफ्ते हो गए हैं। वह अभी तक बिग बॉस के गेम में बने हुए हैं, लेकिन शो में एंट्री के साथ ही वह विवादों में भी घिर गए हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल समेत महिला अधिकारों की वकालत करने वाली महिलाओं ने उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग की थी। साजिद खान पर मी टू मूवमेंट के तहत लगभग 10 एक्ट्रेस, एस्पिरेंट्स एक्ट्रेस और मॉडल ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। अब एक पूर्व मॉडल नम्रता शर्मा सिंह ने साजिद पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक नम्रता शर्मा सिंह ने बताया कि साल 2011 में साजिद खान ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस वक्त वह एक ऑडिशन के लिए उनसे मिलने गई थी। नम्रता ने मीडिया के सामने कहा कि जब वह साजिद से मिलने गई थी तब उन्होंने छोटी ड्रेस पहन रखी थी और जैसे ही वह कमरे में गई तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। नम्रता शर्मा सिंह ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि साजिद खान चाहते हैं कि उनकी बातें कोई और न सुने। उन्होंने कहा, दरअसल मैं वहां साजिद खान से ऑडिशन और फीस के लिए बात करने के लिए गई थी। दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं उन पर चिल्लाई और उन्हें धक्का दिया। नम्रता सिंह ने आगे बताया कि बाद में उन्हें लोगों से पता चला कि साजिद खान की फिल्मों में काम करने के लिए कई बार उनके साथ सोना भी पड़ता है। उन्होंने कई पॉपुलर ब्रांड्स को भी एंडोर्स कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।